इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर करने के बहुत फायदे होते हैं, स्पेशली किसी भी चेस्ट कंडीशन के अंदर। जैसे कि अगर हम इससे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स, जो कि सांस लेने की हमारी मसल्स होती हैं, उनकी पावर बढ़ती है और उनका एंड्योरेंस भी बढ़ता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटरी करने से हमारे लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी भी बढ़ती है, जिससे हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर काफी आसानी से होता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन, जिसे SpO2 सैचुरेशन भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल सकता है। इसकी अलग अलग शेप होती हैं और उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स भी होते हैं। जो मेरे पास है इंसेंटिव स्पायरोमीटर, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 600 cc/s, देन 900 cc/s एंड देन 1200 cc/s। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसमें से सांस खींचते हैं और जहाँ 600 cc/s लिखा है, अगर आप उस बॉल को ऊपर हवा में होल्ड कर पाते हैं 1 सेकंड के लिए, तो इसका मतलब आपके लंग की कैपेसिटी 600 cc है। और अगर आप उसे 2 सेकंड के लिए होल्ड कर पाते हैं, तो इसका मतलब 1200 cc उसकी कैपेसिटी है। अगर आप तीनों बॉल को ऊपर हवा में 1 सेकंड के लिए होल्ड कर पाते हैं, तो आपके लंग की कैपेसिटी 1200 cc है। और अगर आप तीनों बॉल को 2 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब 2400 cc लंग कैपेसिटी है। अकॉर्डिंगली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। मेक श्योर कि जस्ट खींच के नहीं छोड़ना है, आपको उस बॉल को हवा में उठा के रखने की कोशिश करनी है, और आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बॉल को हवा में उठा के रखें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस इंसेंटिव स्पायरोमीट्री को किस तरीके से करना है। ये करने से पहले आप किसी कंफर्टेबल जगह पर बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएं, और ये भी याद रखें कि ये इंसेंटिव स्पायरोमीट्री बिल्कुल सीधी रहे, इस तरीके से टिल्टेड ना रहे, क्योंकि ये टिल्ट अगर रहेगा तो हो सकता है आपको सही वैल्यूज ना पता चले। अपने होठों को इस माउथ पीस पे चारों तरफ लॉक करना है और एक लंबी गहरी सांस मुंह से खींचनी है, नाक से सांस नहीं लेनी है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि आपने देखा, मैंने तीनों बॉल्स को ऊपर हवा में करीब करीब 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखा, और जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप तीनों बॉल्स को ऊपर हवा में खींच पा रहे हैं और होल्ड कर पा रहे हैं, तो पर सेकंड आपकी लंग की कैपेसिटी आ रही है 1200 cc, और मैंने 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखा, इसका मतलब मेरे लंग की कैपेसिटी जो आ रही है 3600 cc के आसपास है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब आप इससे एक्सरसाइज करना शुरू करें तो आप पहले ही दिन तीनों बॉल्स को ऊपर हवा में खींच पाएंगे। हो सकता है कि पहले दिन आप सिर्फ एक ही बॉल को हवा में खींचे, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी लंग की कैपेसिटी, आपकी इंस्पिरेटरी मसल्स की पावर और एंड्योरेंस बढ़ती जाएगी। याद रखें, ये एक्सरसाइजेस आपको दिन में 3 बार करनी है, और हर बार करीब करीब 5 से 10 बार करनी है बिना थके। अगर आपको इसमें थकावट महसूस होती है तो आप एक सेशन बीच में स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिलैक्स होके एकदम एकाग्र मन से पूरा जोर से हवा खींचनी है और फिर वहीं पर हवा को धीरे धीरे छोड़ देनी है। तो हो सकता है जब आप शुरू करें तो कुछ इस तरीके से रहे। जब आप 1 या 2 दिन आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कर जाएंगे, हो सकता है तब आप 2 बॉल्स को ऊपर खींचने में समर्थ रहो। और इवेंचुअली आप नोट करेंगे कि आप तीनों बॉल्स को ऊपर हवा में होल्ड कर पाएंगे।
दैट मीन्स कि अब आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो ये हमने बात करी अपनी इंस्पिरेटरी मसल्स की पावर और एंड्योरेंस बढ़ाने की। इसी मशीन से, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से, आप एक्सपिरेटरी मसल्स की भी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल सेम यही तरीका है, लेकिन इस बार आप इंसेंटिव स्पायरोमेट्री को उल्टा करके पकड़ लेंगे और इस बार इसमें से हवा खींचने के बदले आपको हवा जोर से बाहर निकालनी है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मेरी एक्सपिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ इंस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के मुकाबले कुछ कम है, क्योंकि मैं इंस्पिरेटरी के टाइम तो तीनों बॉल्स को काफ़ी ऊपर हवा में उठा पा रहा था, लेकिन एक्सपिरेटरी के लिए मैं खाली दो बॉल के साथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। याद रखें, ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होनी चाहिए। अगर थकावट होती है तो आप आराम से किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेकर आराम से बैठ सकते हैं, और जैसे कि हमारी बाकी वीडियो में दिखाया गया है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, दैट मीन्स अपने एब्डोमेन को फुला के और रिलैक्स करके ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की दी गई दवाइयाँ आप टाइम पे ज़रूर खाते रहें, साथ में घर के अंदर थोड़ा टहलने की भी कोशिश करें और खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, क्योंकि दवाइयां तो अपना असर करेंगी ही करेंगी, लेकिन यदि आप खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो आपकी रिकवरी और भी बेहतर होगी और भी जल्दी होगी। याद रखें, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आप घर से बाहर भी जाते हैं तो डबल मास्क पहन के जाइए, सामाजिक दूरी बनाए रखें, समय समय पर अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं या फिर उसको सैनिटाइज जरूर करें, अपना समय आने पर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस कोरोना की लड़ाई में हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा।